हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये मेरा मूडल सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट है, पार्ट टू है। और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे कि मूडल सॉफ्टवेयर में वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को और भी ज़्यादा ईजी और इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके पहले फ़ीचर के बारे में बात करें तो पहला इसका फ़ीचर है मॉडर्न ईजी टू यूज़ इंटरफेस, यानी कि ये एक ऐसा मॉडर्नाइज और ईजली इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, ये एक ऐसा जैसे कि मोबाइल होता है, हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, ईजली हैंडल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को ईजली हैंडल कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से मूडल का जो इंटरफेस है वो डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइस दोनों पर ही हम इसको नेविगेट कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। सेकेंड जो है इसका वो है पर्सनलाइज्ड माई कोर्स पेज, यानी कि इसमें जो भी आपने अपने जो कोर्सेज को जो है पर्सनलाइज्ड किया है उन सब का भी ये करंट पास्ट एंड फ्यूचर कोर्सेज के बारे में डिस्प्ले करता है। अब इसका जो तीसरा फीचर है वो ये है कि सी एट ए ग्लांस टाइमलाइन, यानी कि आपको इसमें एक डैशबोर्ड है जिसमें इसके सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि डेडलाइन क्या होगी, डैशबोर्ड पे कैलेंडर, इन सब ये सारी चीज़ें जो है डैशबोर्ड पे क्या होंगी, हाईलाइट होती जाएंगी। इसके जो नेक्स्ट फीचर हैं जैसे कि है चौथा है कि कोलैबोरेटिव टूल्स एंड एक्टिविटी, इसमें बहुत सारे कोलैबोरेटिव टूल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू इन टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्क को बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि वर्क एंड लर्न टुगेदर इन फोरम, विकी, ग्लॉसरी, डेटाबेस एक्टिविटीज़ एंड मच मोर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम इसके द्वारा एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंट फाइल मैनेजमेंट, इसमें क्या है, हम फाइल को मैनेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं फाइल को फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज इंक्लूडिंग MS OneDrive, Dropbox एंड Google Drive, इन सब पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल एंड इंट्यूटिव टेक्स्ट एडिटर्स, इसमें क्या है, बहुत से कई ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे कि चूज़ फ्रॉम ऑटो और टिनी MCE एडिटर्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड मोर, यानी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट करने के लिए ऑटो और टाइम टिनी MCE एडिटर में से चूज़ करके क्या कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। उसके बाद में इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत क्या है, ये नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन इनेबल्स होने पर यूज़र क्या कर सकता है, न्यू असाइनमेंट और टाइम लिमिट फोरम पोस्ट पर ऑटो अलर्ट ऑप्शन को प्राप्त करके क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ इसको पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, पर्सनल मैसेज भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं, ट्रैक प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर है, अब इसके हम एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर के बारे में बात करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में सारे अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है कि कस्टमाइजेबल साइट डिज़ाइन एंड लेआउट, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने खुद की एक थीम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, उस थीम का लोगो कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा और साथ ही साथ उसको हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस जो ये जो फीचर है इसके अंतर्गत यानी कि कस्टमाइजेबल साइट डिज़ाइन एंड लेआउट के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो दूसरा फीचर है वो है सिक्योर ऑथेंटिकेशंस एंड मास एनरोलमेंट, ये क्या है, ये मूडल की साइट पर जो भी कोर्सेज हैं उसमें यूज़र्स को ऐड करने के लिए और उनको इनरोल करने का एक क्या करता है, मौका देता है, एक चांस देता है, जिसमें 50 से अधिक ऑथेंटिकेशंस प्रमाणीकरण यानी कि और साथ ही साथ इनरोलमेंट के ऑप्शंस हैं। तीसरा है मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि चौथा बल्क कोर्सेज
क्रिएशन एंड इजी बैकअप, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, उनका बैकअप ले सकते हैं और उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं। नंबर 5 है कि मैनेज यूजर्स रोल्स एंड परमिशंस। जो भी यूज़र्स हैं उनका जो भी अपना रोल होगा उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट प्रकार के वर्क करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, सपोर्ट ओपन स्टैंडर्ड, यानी कि मूडल में IMS, LTI और SCORM एसेट्रा कोर्सेज और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, मूडल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स कहलाते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि हाई इंटरपोर्ट।